हम बनाएंगे मोमोज। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मैदा ले लूँगी, 2 कप मैदा ले लूँगी, थोड़ा सा तेल डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। मोमोज के लिए जो आटा लगाएंगे वो थोड़ा टाइट लगाएंगे, थोड़ा सा तेल ले लेंगे, थोड़ा तेल लेके इसको अच्छे से लगा के, जब भी लगाएंगे इस आटे को थोड़ा टाइट रहेगा, बाद में आटा खुद ही जाके ढीला हो जाता है। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं, कोई चीज़ से ढक के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम मोमोज के लिए मसाला बना लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे बटर, बटर गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ लहसुन और कद्दूकस किया हुआ अदरक, ये दोनों के डालेंगे। लहसुन और अदरक को लाल नहीं करना है। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, प्याज को भी हमें ज्यादा नहीं पकाना है। अभी में डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, इसमें पका लेंगे गाजर को। इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न, इसको उबाल करके रखी हूँ, पहले से ही उबाल कर रखा है। और इसमें डालेंगे पनीर, पनीर को भी मैं कद्दूकस कर लिया है। नमक डालेंगे, डालेंगे काली मिर्च, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा वेजिटेबल तैयार हो गया है, पनीर से बना रहे हैं मोमोज। अब गैस को बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये 15 मिनट हो गया है, अब ये आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं पूरी बना लेती हूँ। पहले चौकी में तेल लगा लेंगे, अब इसका छोटा छोटा गोली काट लेंगे। एक लोई लेंगे, थोड़ा सा इसमें परथन लगा लेंगे, जब भी बेलना है इसी तरह बेलना है, बीच में थोड़ा मोटा होना चाहिए, साइड साइड से पतला। तो इस तरह से हमने बेला है, इसी तरह हम बीच में डालेंगे थोड़ा सा और साइड से इसको ऐसे ही दबा देंगे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा बन गया है। इसी तरह हम सारे मोदक को बना लेंगे। देखिए इस तरह एकदम मोदक की तरह बना लेंगे, एक मोदक का डिजाइन देंगे। ये हमने 3 तरह से बना लिया है मोमोज। अब इसको हम स्टीम दे देते हैं। कढ़ाई में पानी हम डाल दिए हैं और इसमें ये बटर लगा करके स्टीम देने के लिए जाली रख दिया है। अब इसमें हम मोमोज डाल देते हैं। अब इसको ऊपर से हम ढक देंगे, 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अब ये 10 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए दिख रहा होगा कितना अच्छा हमारा ये मोमोज तैयार हो गया है। अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करते हैं।
मोमो चटनी तैयार हो गया है। ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।